क्लास आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? जब भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए जब कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम फ्लो चार्ट। आपका फ्लो चार्टिंग प्रोसेस क्या है? ये आपका कुछ सिंबल्स का यूज़ करता है, कुछ ग्राफिक वर्क करता है, तो उसको कहते हैं हम फ्लो चार्ट। इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। वो सिंबल्स क्या क्या हैं ये देखिए। ये ओवल सिंबल है। ये आपका ओवल सिंबल क्या है? स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स है। ये आपका प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग में ही आपको यूज़ करते हैं। आपका ये है पैरेललोग्राम जो सिंबल है, ये आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए है। अगर आपको इनपुट प्रोग्राम की राइट करनी है तो उस वक्त, और आउटपुट राइट करनी है तो उस वक्त आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ये है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स। इसमें आपका ऑल ओवर जितनी भी प्रोसेस होती है आपके प्रोग्राम की वो राइट होती है। डिसीजन, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, येस और नो के। आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन येस, या तो येस एक्सेप्ट करो या आप नो एक्सेप्ट करो। ये है आपका फ्लो लाइन। ये आपके फ्लो चार्ट की डायरेक्शन बताती है। फ्लो लाइन्स के दी ज़्यादा कनेक्टर, ये आपके पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, देखो जिस तरीके से इसमें किया हुआ है, यहाँ पे थ्री नंबर्स का एवरेज निकाला गया है। यहाँ पे ये है आपका इनपुट बॉक्स और ये देखो आउटपुट बॉक्स। ठीक है, पैरेललोग्राम में लिया हुआ है। और यहाँ पे देखो इसने थ्री नंबर दिए हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस चल रही है कि थ्री नंबर का सम हो। फिर उसके बाद जब इसकी प्रोसेस हुई है, उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये भी प्रोसेस चल रही है एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज चाहिए ना हमें। उसके बाद ये आउटपुट निकल गई है एंड देन आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। ठीक है, और आपके फ्लो चार्ट को लिखने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले है डायरेक्शन आपके फ्लो चार्ट की, वो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट रहेगी। सेकेंड है आपका फ्लो लाइन्स आपकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। और थर्ड है इसमें स्टार्ट और स्टॉप सिर्फ एक के लिए, एक ही स्टार्ट और एक ही स्टॉप रहेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आपकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आपका सिस्टम में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन राइट करनी होती है वो इन्हीं लैंग्वेजेस में राइट करते हैं। और जो इन लैंग्वेजेस के बारे में जानता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलते हैं। आपकी इन मशीन लैंग्वेज को आपका सिस्टम इजीली समझ लेता है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है आपकी मशीन बेस्ड हैं, इनको सिर्फ आपका सिस्टम ही समझ सकता है। ठीक है, और सिर्फ प्रोग्रामर ही इसको लर्न कर सकता है, कोई अहम सभी इसको लर्न नहीं कर सकते। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है उसमें आप वन और ज़ीरो बाइनरी कोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो कोड है ये आपकी सिस्टम के थ्रू समझे जाते हैं, इनको आप इजीली नहीं समझ सकते, इनको थोड़ा सा लर्न करना इनको डिफ़िकल्ट है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में आते हैं, इसको लर्न करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें लेटर और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। इन लेटर और सिंबल्स को क्या बोला जाता है? निमोनिक कोड बोला जाता है। ठीक है, और जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज में हम राइट करते हैं उन्हें असेंबली कोड्स बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इनको लर्न करना भी इजी है और प्रोग्राम के लिए समझना भी इजी है। ये क्या है? जनरली नॉट डिपेंडेंट है किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे। आप किसी भी सिस्टम पे इसको रन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उन वैसे ही एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, ये लैंग्वेजेज जैसे आपके क्यू बेसिक हैं, लोगो हैं, फॉर्ट्रेन हैं, कॉबल है, पास्कल है। ठीक है, कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। आपका प्रोसेस है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आपको कुछ ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर किस लिए यूज़ करते हैं हम? ट्रांसलेटर आपका क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग ऑफ प्रोग्राम। आपके थ्री टाइप्स ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
असेंबलर क्या है, ये कन्वर्ट करता है प्रोग्राम जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज में आप राइट करते हो उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, ये आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर देता है और आपका किस में चेंज कर देता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में एक ही ऑपरेशन में। इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ये बहुत ही स्लो वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर।